प्रश्न है, एक फल विक्रेता ₹5 में 3 की दर से संतरे खरीदता है, ये क्रय मूल्य हो गया। ₹4 में 2 की दर से बेचता है, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो एक फॉर्मूला है लाभ परसेंट, यह क्वेश्चन है लाभ परसेंट क्या होगा, तो लाभ बराबर BX - AY / AY × 100 होता है। फॉर्मूला याद रखे, नहीं यदि फॉर्मूला याद रहता है तो एक ही फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए बोला हूं कि हमेशा याद रखे लाभ बराबर लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 / क्रय मूल, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट गुना 100 / CP होता है। तो मैं इस पे बना के पहले बताता हूं कि इसको कैसे बनाना है। तो इसको मान लीजिए एक्स वाई ए बी एक्स वाई, तो ए का मान क्या हो गया, बी का मान क्या हो गया 3, एक्स का मान क्या हो गया 4, माइनस ए का मान क्या है 5, वाई का मान क्या है 2 / AY, ए का मान क्या है 5, वाई का मान क्या 2 × 100, कितना हो गया है 4 × 12 = 10, 12 में 10 घटा दीजिए / 10 × 100, कितना निकल गया इसका आंसर हो गया 2 × 100 / 10, 10 × 100 यानी कि 20% आंसर हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, यदि नहीं याद रहता तो आप कैसे बनाएंगे। दूसरा जो तरीका आपको बनाने का, आप इस सवाल को इस तरह से भी बना सकते हैं, आपको बनाने का एक अलग स्टाइल बनाता हूं। ये जो क्या है 5 3, ₹5 में 3 और ₹4 में 2 की दर से बेचता है, ये है सीपी, ये हो गया सीपी क्रयमूल, ये हो गया विक्रय मूल्य एसपी। तो आपको बोला हूं इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गुणा कर दीजिए और उसके बाद सवाल को सॉल्व करिए। लाभ क्या है, लाभ जो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, ये विक्रय मूल्य है 4/12। लाभ परसेंट बराबर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, फॉर्मूला होता है। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 4/12, क्रय मूल्य कितना है 5 × 10, तो कितना हो गया 2 रुपया लाभ हो गया, लाभ 2 रुपया। तो लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 / क्रय मूल्य, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100, तो लाभ कितना है 2 × 100 / क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हो गया 5 × 10, सीपी है 5 × 10 सीपी हो गया, ये कट के कितना हो गया, कट दिया तो ये हो गया 20%। तो दूसरा इस तरह से भी एक बेसिक फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं, ट्रिक यदि याद नहीं रहता है तो। ये सवाल रहा दोस्तों, क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट कितना होगा। तो इसके लिए जो आप बनाने का तरीका है, ये आपका फॉर्मूला है Y / X - Y × 100, सेम फॉर्मूला है, हमेशा आपको लाभ परसेंट ही निकालना है, एक ही सवाल आ रहा है लाभ परसेंट, इसमें कुछ नहीं है। तो लाभ क्या है 25 है और बटे एक्स माइनस वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो 250 - 25 × 100, तो कितना हो गया 25/125, ये घटाएंगे तो 125 आएगा, गुना 100 कर देंगे, 25 × 25 = 5, 5 से काटेंगे 20, यानी कि 20% का लाभ हुआ। दूसरा आपको जब बताया है कि यदि हमेशा XY याद नहीं रहे तो हमेशा एक ही फॉर्मूला याद रखें, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 / क्रय मूल्य, सेम फॉर्मूला से हमेशा बनाते हैं, हमेशा क्वेश्चन आ रहा है कि लाभ परसेंट क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि 100 फॉर्मूला है लाभ गुना 100, लाभ कितना है 25 बटन लाभ होता है बटे 25 × 100 बटे क्या है क्रय मूल्य, तो भाई ये तो विक्रय मूल्य है, 150 तो विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए भाई विक्रय मूल्य में लाभ को घटाना पड़ता है, क्रय मूल्य कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य में लाभ को घटाएंगे तो आपको क्रय मूल्य निकलेगा। आप एक बेसिक फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए बताया था कि एक जो है क्रय मूल्य हमेशा निकालने के लिए फॉर्मूला जिसमें कि लाभ दिया हो, जिसमें कि हानि दिया हो, अगर लाभ दिया हो क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य में घटा देते हैं, यदि हानि दिया हो तो विक्रय मूल्य में जोड़ देते हैं तो क्रय मूल्य निकलता है। तो यहां लाभ दिया है तो विक्रय मूल्य में हम क्रय मूल्य को घटा लाभ को घटा देंगे, तो 150 में 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा 125, तो ये कितना हो गया 25 × 25 = 125 से काट देंगे तो 20, यानी कि 20% का लाभ हो। तो ये बेसिक है हमेशा, जो कि बार बार फॉर्मूला आपको डिजाइन अलग अलग डिजाइन के याद नहीं रख सकते हैं, हमेशा आप एक ही फॉर्मूला को याद रखें तो भी आपका सवाल बनेगा। थैंक यू। ये नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण माने धोखेबाजी करके तराजू का गलत उपयोग करके सामान को खरीदने में 10% का धोखा करता है, ठग लेता है, तथा सामान बेचने में 10% का धोखा करता है, बेचने में 10% और खरीदने में 10%
धोखा करता है, बेईमानी करता है, तो उसका लाभ क्या होगा? तो क्वेश्चन है लाभ परसेंट बराबर फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई बटे हंड्रेड। ये प्लस है लाभ के लिए, आप माइनस है हानि के लिए, कहीं घाटा लगता है तो माइनस लिखेंगे, हमेशा लाभ होता है तो प्लस लिखेंगे। तो ये लाभ परसेंट बराबर क्या निकालेंगे, इसको एक्स मान लेंगे, इसको वाई मान लेंगे, तो हो गया दस प्लस दस, क्योंकि हमेशा लाभ हो रहा है इसलिए प्लस लिखेंगे, दस गुना दस बटे हंड्रेड, इसको काटेंगे कितना हो गया दस दस बीस, और इसको काट देंगे ये दोनों जीरो, एक गुना एक करेंगे कितना हो गया एक, मतलब कि 21%। तो इस तरह भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप छोटा मार इसको करना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे हंड्रेड, मतलब कि इसको निकालेंगे, एक दोनों सेम ही है इसलिए इसको एक्स एक्स स्क्वायर कर दिया, सेम वर्ड है, डिफरेंस वर्ड रहता तो इससे नहीं बनता, इसको इसके इसका उपयोग करना पड़ता है, इस फॉर्मूला पर यूज करना पड़ता, सेम वर्ड है इसलिए एक ही वर्ड से आंसर निकल जाएगा, दस का स्क्वायर प्लस दस का स्क्वायर बटे हंड्रेड, दस का स्क्वायर एक सौ, ये तो फॉर्मूला गलत है, इस फॉर्मूला को इस तरह से नहीं लिखते हैं, या फॉर्मूला जो लिखने का है यहाँ गलत लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को ऐसे लिखेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, दस गुना दो दस दूनी बीस, दस गुना दो प्लस दस का स्क्वायर बटे हंड्रेड, तो इसे हो गया बीस प्लस सौ बटे हंड्रेड। तो दोस्तों यहाँ भी याद रखना पड़ता है, बीस प्लस वन बराबर 21% हो गया। तो जिस तरह की मुझे यह पता हो जाता है कि कोई सवाल में अगर हम गलत लिख देते हैं तो मुझे पता हो जाता है कि कहीं गलत हो रहा है, जिस दिन आप इस तरह से पकड़ने के लिए आपको समझ में आ जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, तो उस दिन से आपका सवाल में कहीं कोई गलती नहीं होगा, यदि गलती होगा भी तो आपका माइंड कहेगा कि कहीं गलती हम कर रहे हैं, वो गलती हो गया है जिसके कारण सवाल सोल्व नहीं हो रहा, तो फिर उसके रीचेक करेंगे तो तुरंत आपको पता चलेगा कि गलती लिखे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सौ का स्क्वायर करते थे, सौ इसमें जोड़ेंगे तो सौ से ज्यादा हो रहा है, जबकि सौ से ज्यादा लाभ नहीं होगा, जबकि 10 या 20% लाभ होगा, तो सौ से ज्यादा 101 भाग रहा था, तो कैसे हम कहेंगे मेरा ये फॉर्मूला लिखा हुआ सही है, इसलिए फॉर्मूला गलत हो तो इसको करेक्शन किए, इसका सही फॉर्मूला आपका ये है, तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हो। तेरे सुनने सुनने पैर हो मैं जाना रहना शहर, तेनु शॉपिंग करा दा जोड़ा चांजर दा पवा दा, जेड़ा मिले ना।